तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरब में। लेके आ गया हूं मैं आज आप लोगों के लिए गर्मागर्म टेक न्यूज़, और आज की टेक न्यूज़ काफी गर्मागर्म होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर रियलमी की तरफ से है, और रियलमी का जो नार्जो 10 और 10 जो स्मार्टफोन है उसको कंपनी लॉन्च करने वाली है, और उसकी लॉन्च डेट आ चुकी है। पहले भी लॉन्च डेट आई थी बट कोरोना वायरस के चलते जो लॉन्च है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, बट अभी फिर से लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। 12 मई को कंपनी लॉन्च करेगी दोपहर 12 बजे ऑनलाइन इवेंट में। और कहीं ना कहीं रेडमी भी अपना मीट 10 स्मार्टफोन को 8 मई को लॉन्च करने वाली है, तो इसलिए रियलमी भी कहता है कि हम भी पीछे क्यों हटे। चालाक हो माधव सेठ। तो गाइस दूसरे खबर की बात करें तो दूसरे खबर रियलमी की तरफ से, और रियलमी का बर्ड वायरलेस प्रो जो ईयरफोन है उसे मलेशिया सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना जो रियलमी बर्ड वायरलेस प्रो है उसे मलेशिया में लॉन्च करेगी। और डिजाइन की बात करें तो ये डिजाइन नेकबैंड जैसा है, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, बैटरी को इम्प्रूव किया गया है, और ये जो रियलमी का बर्ड वायरलेस प्रो है ये वाटर रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक मुझे इतना लगता है कि कंपनी अपना जो नार्जो 10 और 10 जो स्मार्टफोन है उसे 12 मई को लॉन्च करेगी, तो उसी के साथ कंपनी अपना जो ये रियलमी बर्ड वायरलेस प्रो है उसे मलेशिया में भी लॉन्च कर सकती है और इंडिया में भी लॉन्च कर सकती है। बाकी इसके बारे में तो और कोई खबर नहीं है, बट जैसे इसके बारे में और कोई खबर आएगी तो मैं आपको बता दूं। तो गाइस तीसरे खबर की बात करें तो तीसरे खबर पोको की तरफ से है, और पोको का जो पोको F2 और F2 प्रो जो स्मार्टफोन है उसकी लॉन्च डेट आ चुकी है। पॉपुलर लीकर सुधांशु अंबरे जो कि जेन्युइन ट्वीट करते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक इमेज शेयर की है, मतलब ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि अपकमिंग जो पोको जो एप सीरीज स्मार्टफोन होगा पोको F2 और F2 प्रो उसे कंपनी स्पेन में लॉन्च करेगी 12 मई को। और बाकी बात करें इसके बैटरी की तो इसमें आपको 30 वाट का रिलेटेड चार्जिंग 30 वाट का रेटेड चार्जिंग और 33 वाट का आपको ऑप्शनल चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये स्पेन में लॉन्च किया जाएगा, और प्राइसिंग से रिलेटेड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इंडिया में इसे कौन किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। बाकी स्पेन की प्राइस बताएं तो स्पेन में 570 यूरो जो स्टार्टिंग प्राइस है, पोको एफ सीरीज वाला जो स्मार्टफोन है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 570 यूरो रखी गई है, जो इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 46,000 बनता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में कंपनी इंडिया में इसे लॉन्च करेगी। 20,000 के अंदर में ही जो पोको का आपको F2 और F2 प्रो जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी किस नाम से लॉन्च करेगी स्मार्टफोन को इंडिया में वो तो मुझे नहीं पता है, बट जितना जो भी लीक्स आई है उनसे ये पता चल रहा है कि F2 और F2 प्रो के नाम से कंपनी इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बाकी स्पेन में तो 12 मई को ही कंपनी लॉन्च करेगी पोको F2 और F2 प्रो। बाकी इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड और तो कोई जानकारी नहीं है, तो ये जो स्मार्टफोन है उसके लिए आप कितना एक्साइटेड है आप हमें कमेंट करके बताओ। गाइस चौथा नंबर खबर की बात करें तो चौथा नंबर खबर गूगल की तरफ से है, और एंड्रॉइड 11 की जो लॉन्च डेट है वो आ चुकी है। गूगल सबसे पहले 14 मई को लॉन्च करने वाला था, बट कोरोना वायरस के कारण जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, और कंपनी इसका जो डेट है लॉन्च डेट उसको 3 जून को लॉन्च करने वाली है। और सबसे पहले कंपनी इसे डेवलपर के लिए लॉन्च करेगी, उसके बाद कंपनी बीटा वर्जन में लॉन्च करेगी, उसके बाद पिक्सल स्मार्टफोन के लिए अपना जो पिक्सल है कंपनी का जो पिक्सल लाइनअप है उसके लिए लॉन्च करेगी, उसके बाद कंपनी ग्लोबली लॉन्च करेगी Q3 में। तो सबसे पहले कंपनी बीटा डेवलपर लोग के लिए, सेकंड बीटा, उसके बाद पिक्सल, उसके बाद ही ग्लोबली लॉन्च करेगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है वही सभी के पास अभी तक पहुंचा नहीं है। मतलब कुछ कुछ जो कंपनी है रियलमी रेडमी ये जो कंपनी है वो एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है वो कुछ कुछ स्मार्टफोन में दी है, और कुछ कुछ स्मार्टफोन में अभी तक एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है वो रोल आउट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले एंड्रॉइड 10 का ही अपडेट मिल जाए, उसी के बाद एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखा जाएगा। तो बाकी 3 जून को कंपनी अपना जो एंड्रॉइड 11 को रोल आउट करने वाली है, तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। तो गाइस पांचवा नंबर खबर की बात करें तो पांचवा नंबर खबर OnePlus की तरफ से है, और कुछ दिन पहले OnePlus ने अपना जो 30T वायरलेस वेयरअप चार्जर है उसको लॉन्च किया था, और अब कंपनी अपना जो 65 वाट का चार्जर है उस पर काम कर रही है। और ये जो चार्जर है ये TUBE रेनलैंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, और कहा जा रहा है कि अपकमिंग जो OnePlus का जो फ्लैगशिप लेवल वाला जो स्मार्टफोन होगा उसमें आपको ये 65 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको 65 वाट वाला जो चार्जर है ओप्पो का फाइंड X2 और X2 प्रो में दिया गया था, उसके बाद आपको कोई ओप्पो का स्मार्टफोन या फिर रियलमी का स्मार्टफोन में आपको 65 वाट का चार्जर नहीं दिया गया था। और इसके बाद 90 वाट का जो चार्जर है वो लेनोवो का जो लीजन गेमिंग है उसमें दिया गया था, और 90 वाट के बाद अभी तक कोई चार्जर नहीं निकला है। तो मुझे इतना लगता है कि अपकमिंग जो OnePlus का फ्लैगशिप लेवल वाला जो फोन होगा जैसे कि OnePlus 8T या फिर OnePlus Z उसमें आपको ये 65 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी 65 वाट का चार्जर दे देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस 6 नंबर वाले खबर की बात करें तो 6 नंबर वाले खबर MediaTek की तरफ से, और ये बहुत अच्छी खबर है कि MediaTek ने अपना जो 1000 वाला डायमेंशन चिपसेट है 5G चिपसेट उसको लॉन्च कर दिया है। और ज्यादा स्पेक्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पेक्स बताने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कल वीडियो आ जाएगी आप लोग जरूर देखना। तो स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है जैसे कि 90Hz 120Hz, और इसमें 144Hz का जो पैनल है उसका भी सपोर्ट दिया गया है जो कि 2.4 टाइम्स मच फास्टर है एज कंपेयर टू 16Hz। और इसमें आपको कंपनी का जो हाइपर इंजन 2.0 है उसका सपोर्ट दिया गया है, और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड दिया गया है जो कि 48% मस्ट
पावर सेविंग करेगा एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसर। और कंपनी ने जो IQ के साथ एक अनाउंसमेंट किया था और कोलेबरेशन किया था, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पाएंगे और बैक में आपको डिस्प्ले में लिखा हुआ है कि MediaTek 1000 प्लस, तो इससे ये पता चला है कि अपकमिंग कंपनी अपना जो MediaTek 1000 प्लस वाला जो चिपसेट है, जो कि 1000 का जो सक्सेसर होगा, उसको लॉन्च कर सकती है। और अपकमिंग जो IQ का स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसमें MediaTek का 1000 वाला जो चिपसेट है वो देखने को मिल सकता है, या फिर MediaTek का 800 वाला चिपसेट है वो देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में तो और कोई जानकारी नहीं है, बट इसके ऊपर मैं कल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर। सातवां नंबर खबर की बात करें तो सातवां नंबर खबर रेडमी की तरफ से है, और रेडमी का जो रेडमी K30 5G स्मार्टफोन है जिसे चाइना में लॉन्च किया गया था, उसकी प्राइस कट कर दी गई है। तो पहले कंपनी इसे 2299 yuan इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करके 24,800 रुपए में लॉन्च किया था, और अब इसका जो प्राइस कट करके 21,990 कर दिया गया है, मतलब 1999 yuan। तो बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मनु कुमार जैन ने ऑनलाइन एक मीटिंग रखी थी तो उससे एक लीक आई थी, तो इससे ये पता चला है कि अपकमिंग जो कंपनी Q3 में अपना जो रेडमी K30 स्मार्टफोन है उसको लॉन्च कर सकती है। और जो ये जो स्मार्टफोन है ये 30,000 के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना में बहुत सस्ता है, क्योंकि वहां पे वो बन रहा है चाइना होम टाउन है, ये जो स्मार्टफोन है रेडमी का वो होम टाउन है चाइना, तो इसलिए वहां पे स्मार्टफोन जो है वो सस्ते हैं। बाकी इंडिया में अगर K30 या फिर K30 Pro लॉन्च किया तो 30,000 के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर ये लॉन्च किया गया तो आप इसे परचेस करेंगे कि नहीं आप हमें कमेंट करके बताएं। आठवां नंबर खबर की बात करते हैं, आठवां नंबर खबर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो सर्फेस ईयरबड है, जैसा कि मैंने न्यूज दिया था लॉन्च करने वाली थी, उसको कंपनी ने आज लॉन्च कर दिया है सर्फेस ईयरबड, और उसके साथ अपना जो सर्फेस हेडफोन है उसको भी लॉन्च कर दिया है। और ये जो ईयरबड है ये कंपनी का सबसे पहला वायरलेस ईयरबड है जो कि कंपनी ने लॉन्च किया है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको जो स्पीकर का जो साइज है वो 40mm, मतलब स्पीकर का जो ड्राइवर का साइज है वो 40mm दिया गया है, और ड्यूल माइक दिया गया है, और इसमें आपको जो बैकअप है बैटरी का बैकअप वो 24 आवर तक का बैकअप मिलेगा, और बाकी इसमें आपको वन क्लिक पेयरिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। और इसका डिजाइन की बात करें तो ये जो डिजाइन है वो प्लेट टाइप का डिजाइन है, मतलब ये जो डिजाइन थोड़ा हटके है बाकी ईयरबड्स के कंपेयर में, जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग टाइप का कंपनी ने बनाया है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी ने इसे 16,000 में लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कंपनी जब भी माइक्रोसॉफ्ट जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या फिर कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो थोड़ा ज्यादा ही महंगा होता है एज कम्पेयर टू एप्पल। तो बाकी ये जो ईयरबड है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो मुझे तो पसंद नहीं आया एकदम। बाकी आपको अगर पसंद आया तो आप परचेस कर सकते हैं। बाकी 16,000 प्राइस रखे, 18,000 रखे, 20,000 रखे, अपने को कोई फर्क ही नहीं। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो पर कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया। बाकी ऐसे ही और न्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स की रिलेटेड मैं वीडियो भी लाता रहता हूं, तो ऐसे ही और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उसे देख पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, स्टे होम रहिए, स्टे सेफ रहिए, और कोरोना वायरस से बचे रहिए।